राजस्थान में विधानसभा चुनाव को कुछ ही माह रह गए। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां लगातार कयास जुटा रही है, हर क्षेत्र में जा रही है और नई नई नियुक्तियां भी हो रही है, पदाधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। आज उदयपुर के हम RMB कॉलेज में खड़े हुए हैं, जहां पर हाल ही में कांग्रेस की तरफ से जारी की गई जिलाध्यक्षों की सूची में उदयपुर के देहात जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। आज पूरे उदयपुर या फिर कहें मेवाड़ क्षेत्र के सभी कांग्रेस के पदाधिकारी अलग अलग जगह से आए हुए हैं। चुनाव से संबंधित तो आज के कार्य से संबंधित इनसे बात करेंगे, कांग्रेस की स्थिति क्या है और इसको पार पाने के लिए क्या किया जाएगा। क्या कार्यक्रम है आज? आज देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष जी का है, सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के पधारे हैं। अच्छा, देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो तो कर ही रही है कि पिछले 20 या 25 साल से कहें भाजपा का राज रहा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए कटारिया जी भी चले, लेकिन देहात की बात करें तो 2 साल से फूल सिंह जी आ रहे हैं विधायक। किस तरह से अपनी तैयारियां रहेगी इस बार? इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने इस महंगे रात कैंप के माध्यम से पर एक कार्यकर्ता की टीम तैयार की। बस इस बार मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस जिस कर रहे हैं कांग्रेस मजबूती रिपीट सरकार होगी। अच्छा, योजना अभी काफ़ी लाए हैं कांग्रेस सरकार, लेकिन भाजपा कर रही है, कह रही है कि ये योजना कुछ काम की नहीं है, ज़मीनी हकीकत इसकी कुछ और है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा योजनाओं से? कुछ लाभ मिलेगा कांग्रेस को? भाजपा तो देखो 75 साल हो गए कहती आई है, कर रही भी है, ये ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते हैं। अभी मोदी जी का 9 साल में जनाधार कम हो गया, लोग आज फेसबुक व्हाट्सएप पे मोदी जी का फोटो देखते विरोध करते, तो ये कहने वाले तो कहते रहेंगे, पन्ना अशोक जी गहलोत ने जो राजस्थान में योजना लागू की है वो एक बड़ी खुशी की लहर टाइप है। ग्रामीण क्षेत्र में आज एक किसान का 2000 यूनिट तक का बिल माफ होना, घर का 200 यूनिट का, महंगे रात कैंप में 10 लेके आए वो, और छोटे से किसान गरीब से गरीब आदमी तक ये योजना लागू हुई, तो लोगों में उत्साह, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्साह है। अच्छा, एक ये भी है कि जैसे शहर में तो प्रत्याशी हर विधानसभा चुनाव में बदलते ही आए हैं, दिनेश श्रीमाली जी हुए, गिरजा मैडम, उससे कोई और थे, लेकिन देहात की बात करें तो एक ही परिवार से आरोप लगाया हुआ है कि एक ही आरोप से लगातार टिकट मिलते आ रहे हैं, तो इस बार क्या रहेगा? देखो इसमें सत्य जो लोग विधानसभा क्षेत्र में टिक के रहे हुए और लोगों के दूध दर्द में खड़े रहे हुए उन्हीं को पार्टी टिकट देती है, सर्वे करवाती है वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब जो लोग अभी इलेक्शन आ गए 5 महीने बाकी रहे, अभी नए ड्रेस पहन के जब्बा पजामा पहन के नेताजी बनने के लिए आ गए टोपी लगा के, तो जनता वहाँ की वो फीडबैक उसका नहीं देगी। चलो हार जीत होना एक अलग बात है, इलेक्शन हारते जीते, पर जो लोग दुख दर्द में लोगों के पास खड़े रहते उसी को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से SEB इनकी जितनी भी एजेंसी है उनके आधार पर टिकट देती है। अच्छा, वो फैमिली होगी जो लगातार क्षेत्र में टिकी हुई होगी। अच्छा, 8 विधानसभाएं अपने उदयपुर संभाग में, अभी सिर्फ 2 ही अपने हाथ में है, इन 8 तक कैसे पहुंचेंगे अपन? इस जो गहलोत ना है और एक कार्यकर्ता जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है पार्टी के, काम अच्छा गारंटी से कह सकते हो 8 से 8 विधानसभा क्षेत्र आ सकती है। सिर्फ मैनेजमेंट की जरूरत है, अब जो प्रत्याशी है उसका मैनेजमेंट की जरूरत है। अच्छा, आप विधायक रहे हुए हैं, किस तरह से अपना मैनेजमेंट रहा आप, किस तरह से क्योंकि वरिष्ठ हैं आप, किस तरह से प्लानिंग रहेगी अपने क्षेत्र में अपनी? मैं तो पहले विधायक था उस समय मेरी अच्छी मैनेजमेंट था, दूसरी बार मोदी जी की लहर थी उसमें तो अच्छे अच्छे आ गए, तीसरी बार मेरे को टिकट कट के मिलने की वजह से दूधड़े हो गए, तो उसकी वजह से मेरे को बड़ा नुकसान हुआ। तो इस बार क्या सोचते हैं आप? इस बार पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं तो जिसको देगी उसके साथ रहेंगे। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको जिताएंगे, मतलब कार्यकर्ता ही लग रहे हैं या फिर पदाधिकारी भी होंगे, किस तरह से अपना मानस है कि यहाँ पर कांग्रेस स्थिर है, जीत सकती है या फिर किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? हर हाल में सब कांग्रेस जीतेगी, अशोक जी की जो भी योजना है राजस्थान में जो लागू हुई है वो सब टॉप की योजना है और ग्रामीण इससे बहुत प्रभावित हुए हैं और वापस सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो आपने देखा कि अभी प्रधान है, इनसे विधायक भी रहे हुए हैं, इनसे बात की तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि
कांग्रेस इस बार उदयपुर में जो 8 विधानसभा सीट हैं जिसमें से 2 कांग्रेस के पास में, खेरवाड़ा और वल्लभ नगर, शेष सारी विधानसभा जो है वो सारी की सारी भाजपा के पक्ष में है। और इसके बाद जो ये चुनाव आने वाले हैं इसमें नियुक्तियां भी कर गई है दोनों शहर, और कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष भी घोषित कर दिए गए, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। और ये लगातार यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस पूरी टिकी हुई है अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है उनकी योजनाओं पर। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।